सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह से लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि जो किडनी है वो ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर किस तरह से रोल प्ले करती है और इसका क्या एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करता है कि हमारे ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करता है और देन यूरिन बनाता है और फिर उस यूरिन को बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स एंड वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करता है, बैलेंस रखता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन किडनी परफॉर्म कर रहा है तो इसके अंदर कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, किस नेचर की हो सकती हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे है। तो सबसे पहले किडनी प्रॉब्लम्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है किडनी स्टोन। तो सबसे पहले हम किडनी स्टोन को देखते हैं कि किडनी स्टोन है क्या। ठीक है, स्मॉल स्टोनी मटेरियल। किडनी क्या है, स्मॉल किडनी स्टोन क्या है, स्मॉल स्टोनी मटेरियल। अच्छा, स्मॉल स्टोनी मटेरियल का मतलब है कि किडनी के अंदर सम स्टोन लाइक या इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स जो है कुछ मटेरियल किडनी के अंदर स्टोर हो जाता है जो किडनी के लिए हार्मफुल है, तो उसको क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को आम जबान में क्या कहते हैं, गुर्दे की पथरी। तो ये स्टोनी मटेरियल जो है ये बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन भी होते हैं और सम टाइम जो है ये बड़े स्टोन भी बन जाते हैं अगर इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए या फिर अगर आप ज़्यादा पानी ना पिए तो। तो अब हम देखते हैं कि ये किडनी स्टोन कितने टाइप के हो सकते हैं, इनकी क्या क्या नेचर हो सकती है। तो सबसे पहले जो टाइप आती है उसको कहते हैं हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर का मतलब है ग्रेट और ऑक्सिलेरिया का मतलब है ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन जब हमारी यूरिन के अंदर ऑक्सिलेट आयन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लार्ज उनकी जो है अमाउंट हो जाएगी हमारी यूरिन के अंदर, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपर ऑक्सिलेरिया। ये एक किडनी स्टोन की एक टाइप है हाइपर ऑक्सिलेरिया। अब ये होती कैसे है, ठीक है, जब हमारे यूरिन के अंदर ऑक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑक्सिलेट आयन हमारी किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो जब जमा हो जाते हैं तो एक स्टोनी मटेरियल की फॉर्म में वो चेंज हो जाते हैं जिसको फिर किडनी स्टोन कहते हैं। अब ये जो ऑक्सिलेरिया है, ऑक्सिलेट आयन है, ये आते कहाँ से हैं, ये कैसे आते हैं। सम टाइम हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि सब्ज पत्तों वाली होती हैं। सम टाइम हम बहुत ज़्यादा पालक वगैरह जैसे हो गई या अदर और भी बहुत सारे जो हैं सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, सलाद वगैरह अक्सर हम ज़्यादा यूज़ करें तो सलाद के पत्ते। तो क्या होता है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने पौधों के पत्तों के अपने पत्तों के अंदर जो है क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं ताकि जब वो पत्ते गिरें तो साथ में उनका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो भी चला जाए। तो समटाइम उन पत्तों के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है प्लांट्स का, तो वो जब ह्यूमंस जो हैं उसको लेते हैं तो फिर उनके अंदर साल्ट्स की या आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऑक्सिलेट जो आयंस हैं वो एक जगह पर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जो है वो स्टोन फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो ऑक्सिलेट आयन है वो टमाटर के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि टमाटर का जो छिलका है उसको उतार कर यूज़ करना चाहिए। और ये जो हाइपर ऑक्सिलेरिया टाइप स्टोन्स हैं ये 70% ऑफ टोटल किडनी स्टोन जो हैं वो हाइपर ऑक्सिलेरिया स्टोन है, इनकी 70% जो है इस टाइप के स्टोन्स बनते हैं किडनी के अंदर। अब ये किडनी के अंदर भी बन सकते हैं, यूरिटर के अंदर भी बन सकते हैं, ठीक है, यूरिटर के अंदर भी बन सकते हैं। यूरिटर क्या है ये आपको पता है क्योंकि आपको किडनी का स्ट्रक्चर पता है। यूरिटर जो है ये एक नाली है जो पेल्विस से निकलती है और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर आकर एंटर होती है। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर भी बन सकते हैं ये किडनी, ये स्टोन्स जो हैं ये, जब किडनी के अंदर स्टोन्स बनेंगे तब भी हम उनको किडनी स्टोन कहेंगे, जब यूरिटर के अंदर बनेंगे तब हम उनको किडनी स्टोन नहीं कहेंगे। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर भी बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड टाइप के जो स्टोन्स हैं वो कैसे हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है, और कितने परसेंट जो है वो बन सकते हैं। अब जो सेकेंड टाइप के स्टोन हैं उनको कहते हैं हाइपर कैल्शियमिया। क्या कहते हैं, हाइपर कैल्शियमिया।
अब हाइपर का तो मतलब हो गया ग्रेट लार्ज क्वांटिटी, और कैल्शियमिया का मतलब है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। अब जो कैल्शियम आयन की अगर कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिया कंडीशन हो जाती है। हाँ, जो हाइपर ऑक्सिलेरिया कंडीशन थी उसमें मैंने बताया कि यूरिन के अंदर जो है ऑक्सिलेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, बट हाइपर कैल्शियमिया में जो कैल्शियम आयन है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो एक्सेस कैल्शियम आयन है ये आते कहाँ से हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जिसको कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है पैराथायरॉइड हार्मोन की, तो जो हमारी है बोन्स के अंदर क्या है, कैल्शियम कैसे स्टोर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में हमारे जो बोन्स के अंदर कैल्शियम है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर जब इसकी सिक्रीशंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी तो बोन्स के अंदर से ये कैल्शियम आइंस को जो है वो बाहर निकाल देगी, तो इसका एक नुकसान गुर्दों को भी है और इसका नुकसान हड्डियों को भी होता है, बोन्स को भी इसका नुकसान होता है। वो कैसे होता है कि जब कैल्शियम आयन पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन से कैल्शियम आयन निकल जाएंगे तो ब्लड के अंदर एक तो कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है और किडनी स्टोन बन गया है। एक जब बोन्स के अंदर से कैल्शियम आयन निकल जाती हैं तो बोन्स क्या हो जाती हैं वीक हो जाती हैं और जोड़ों की बीमारियाँ होती हैं, एक को कहते हैं रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियाँ हैं वो भी बोन्स के अंदर आती हैं क्योंकि बोन्स वीक हो गई हैं। तो हाइपर कैल्शियमिया टाइप की जो किडनी स्टोन्स हैं वो तकरीबन 15% ऑफ टोटल किडनी स्टोन्स जो हैं वो हाइपर कैल्शियमिया टाइप की जो हैं वो किडनी स्टोन्स बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो थर्ड टाइप के स्टोन्स हैं वो कौन से हैं और किस तरह से बनते हैं। तो थर्ड टाइप के जो स्टोन हैं वो हैं यूरिक एसिड टाइप के स्टोन हैं, यूरिक एसिड। सम टाइम हमारी यूरिन के अंदर जो है वो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जिससे यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं। तो यूरिक एसिड ज़्यादा किस चीज़ से बनता है, डीएनए और आरएनए की जब टूटते हैं तो उससे क्या होता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है। तो अक्सर जिन लोगों को कैंसर वगैरह होता है तो कैंसर में क्या होता है, सेल्स जो है वो तेज़ी से टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है, तो इससे फिर क्या होता है, यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं। अबाउट 10% जो है टोटल स्टोन में से 10% जो स्टोन है वो यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं। जो फोर्थ टाइप के स्टोन हैं, उनको कहते हैं एएमपी टाइप के जो स्टोन हैं, एएमपी इसको कहते हैं, इनका एक और नाम भी है स्टैगहॉर्न स्टोन, यानी कि ये बहुत बड़े स्टोन होते हैं। ए का मतलब है अमोनियम, एम का मतलब है मैग्नीशियम और पी का मतलब है फॉस्फेट, यानी कि अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के जो स्टोन हैं किडनी के अंदर बन जाते हैं और ये जो है ये बहुत बड़े बड़े स्टोन होते हैं, इनको स्टैगहॉर्न स्टोन इसीलिए कहते हैं। स्टैगहॉर्न का मतलब है बारहसिंगे के सींगों के जितने की तरह जो होते हैं वो स्टोन बनते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप गूगल पर स्टैगहॉर्न स्टोन लिखेंगे फिर इसकी सारी इमेजेस आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये कितने बड़े स्टोन होते हैं। और ये किडनी के अंदर टोटल 5% जो है वो टोटल किडनी स्टोन्स में से 5% जो किडनी स्टोन होते हैं वो एएमपी टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्टोन्स हैं ये बनते किस वजह से हैं, ये जो सारी टाइप्स हैं स्टोन्स की एक हेल्दी पर्सन के अंदर अचानक से जो है, ये अचानक से तो नहीं, किडनी प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सम टाइम बहुत कम पानी पीते हैं, लेस वाटर इनटेक करते हैं। जब लेस वाटर इनटेक करेंगे तो किडनी के जाहिर है फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या होगा कि आपकी किडनी स्टोन बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं जिनके अंदर प्लांट्स ने अपने वेस्ट मटीरियल को स्टोर किया होता है, ठीक है, और एज के साथ भी जो है वो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है, किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर स्टोन्स बनने के चांसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू द यंग्स ज़्यादा होते हैं।
और कुछ लोग जो है वो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स यानी कि ड्रिंकर्स होते हैं, वो कुछ इस टाइप की जो है ड्रिंक्स लेते हैं जिसकी वजह से उनके जो किडनी है उस पर वो अफेक्ट करते हैं और जो उनकी किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं और किडनीज फेल हो जाते हैं। अच्छा, अब इनसे जो है बच्चा कैसे जा सकता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है, और इसकी जो अलामत है आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी के अंदर जो है वो स्टोन्स बनना शुरू हो गए हैं। तो एक तो ये है कि किडनी, अगर आपकी स्टोन्स बन रहे हैं, आपके किडनीज जो है फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपकी जो एब्डोमिन में है पेन वगैरह होगा, ठीक है, आपके गुर्दे के ऊपर दर्द होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो गए हैं, या तो आपको पता चलेगा अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से पता चलेगा, या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चलेगा। अब एक दफ़ा किडनी के अंदर स्टोन बन गए, ठीक है, बन गए, अब इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो रिमूव करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है, एक तो है सर्जिकल मेथड, यानी कि सर्जिकल मेथड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सर्जरी करके, उस हिस्से की सर्जरी करके जहाँ पर स्टोन प्रेजेंट है वहाँ से क्या हो जाएगा, स्टोन को निकाला जाएगा। ये तो बहुत ही पुराना तरीका है, ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर मेडिकल साइंस ने तरक्की की तो नए नए तरीके आ गए क्योर के भी। तो एक और तरीका है लिथोट्रिप्सी, ये नया तरीका है, इसके अंदर जो है नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स जो है, शॉक वेव्स जो हैं वो अफेक्टेड एरिया के ऊपर जो है उसकी बम्बारमेंट की जाती है और फिर जो पत्थरियाँ हैं, जो स्टोन्स हैं वो टूट जाते हैं, स्मॉल सैंड लाइक हो जाती हैं, सैंड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, और फिर अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा पानी पीता रहे तो वो रेत की तरह जो पत्थरियाँ हैं वो यूरिन के अंदर से बाहर निकल आती हैं, ठीक है, लिथोट्रिप्सी, ठीक है। अच्छा, लिथोट्रिप्सी में किस टाइप की वेव्स हो सकती हैं, एक्सरे वेव होती हैं या अल्ट्रासाउंडिक वेव्स होती हैं, वो लिथोट्रिप्सी के अंदर यूज होती हैं। अब ये तो एक मेथड हो गया कि अगर किसी का किडनी जो है, किडनी के अंदर स्टोन है और उसको रिमूव किया जाए, सम टाइम गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है तो गाल ब्लैडर को जो है वो निकाल दिया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि फलां बंदे के पित्ते का जो है वो ऑपरेशन हो गया है और उसका पित्ता जो है वो निकल गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो किडनी फेलियर है वो किस टाइप का है। अगर किसी की किडनी जो है वो फेल हो गई है, यानी कि वो बिल्कुल काम करना छोड़ गई है, तो वो कितने टाइप की हो सकती हैं। किडनी फेलियर्स जो हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। किडनी फेलियर का क्या मतलब है कि आपकी किडनी ने जो प्रॉपर फंक्शन है उसका, उसने वो परफॉर्म करना छोड़ दिया है, यानी कि अगर वो ब्लड फिल्टर कर रहा था, उसका जो प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिस तरह से लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उसका जो रीनल कॉर्पसल है या रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, साल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो आपकी किडनी ये काम नहीं कर रही, आपके ब्लड के अंदर से जो साल्ट्स और वाटर को जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर रही, फिल्टर नहीं कर रही, तो आपकी किडनी क्या है, फेल है, किडनी फेलियर है आपको। तो किडनी फेलियर जो है इसकी भी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, एक तो होती है एक्यूट किडनी फेलियर और एक है क्रॉनिक फेलियर, ठीक है, एक कौन सी टाइप है, क्रॉनिक फेलियर। अच्छा, जो एक्यूट फेलियर है ना, ये बिल्कुल जो है सडनली हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आपका किडनी जो है वो फेल हो सकता है, ये आपका कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ फ्यू डेज में भी आपका किडनी फेलियर हो सकता है। कैसे हो सकता है कि सम टाइम कोई बंदा जो है वो पहले से बीमार है, ठीक है, उसको पहले से कोई बीमारी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है, तो कुछ उसने ऐसी उसको हैवी डोज दी गई हैं, हैवी मेडिसिंस दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी किडनी के ऊपर अफेक्ट हुआ है और उसकी किडनीज जो हैं वो फेल हो गई। इसकी एक काज क्या है, हैवी डोज उसने किसी भी मेडिसिन की ले ली, उसकी किडनी के ऊपर अफेक्ट हुआ और उसकी किडनीज ने जो है वो काम करना छोड़ दिया। या सम टाइम ऐसा होता है कि जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी के अंदर एक क्लॉट बन जाता है, ब्लड का जो है वो एक क्लॉट बन जाता है, ठीक है, रीनल आर्टरी जो कि गुर्दों की तरफ ब्लड लेकर आ रही है उसके अंदर क्या बन जाता है, एक
क्लॉट बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक किडनी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, यहाँ से जो आर्टरी आ रही है, यूरिनल आर्टरी उसको बोलते हैं, जो ब्लड लेकर आ रही है और जो फिर जो है फर्दर किडनी के अंदर जिसको फिल्टर करना है, तो उस किडनी के अंदर एक क्लॉट है, ठीक। उस आर्टरी के अंदर क्या है, एक ब्लड का क्लॉट है और वो क्लॉट जैसे जैसे आगे आता जाएगा इस एरिया को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि ब्लड को वो आगे नहीं आने दे रहा, तो ब्लड फिल्टर कैसे होगा, तो ये भी एक जो है वो एक्यूट फेलियर में आता है। या सम टाइम किसी ने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रग्स ले ली, ड्रग्स वगैरह ले ली, तो क्या होता है जब कोई ड्रग्स ज़्यादा ले ले तो उसका भी जो है वो एक्यूट फेलियर हो सकता है। और ये फेलियर जो है ये जल्दी ठीक भी हो जाता है अगर आपको उसकी काज पता चल जाए। अगर आपको पता चल जाए कि आपको हैवी डोज दी गई है तो फिर वो डोज जो है वो रोक दी जाती है और डॉक्टर्स जो हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं जल्दी। या अगर रीनल आर्टरी में क्लॉट हो गया है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस क्लॉटेज को खोल देते हैं आर्टरी के अंदर से, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्यूट फेलियर हो गया, ये कुछ दिनों में हो जाता है और फिर जो है ये ठीक भी जल्दी हो जाता है, इसका जो है क्योर हो जाता है, ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। अब एक और फेलियर है क्रॉनिक फेलियर। अच्छा, अब ये जो क्रॉनिक फेलियर है ये आपको पता नहीं चलता कि आपकी जो किडनी है वो फेलियर की तरफ जा रही है या डैमेज होने के की करीब होती चली जा रही है। इसमें क्या है कि आपको पहले से कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ या आपको है हाइपरटेंशन, किसी भी बंदे को जो है या तो वो डायबिटीज़ है या है हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ का मतलब जिसको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं आम ज़िंदगी में। तो शुगर के अंदर क्या है, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है, डिफरेंट टाइप्स की ग्लूकोज और कैल्शियम वगैरह की आपके अंदर क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होता है किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना, एक किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो किडनी के फेल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और हाइपरटेंशन क्या है, आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी मैंने बना दी, इसके अंदर ये सारा क्या है ब्लड है, तो ब्लड जो है इस आर्टरी की वॉल के ऊपर जितना प्रेशर इंजर्ट करता है इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। जितना प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा हमारे आर्टरी के ऊपर, तो आर्टरी को क्या है एक डैमेज हो सकती है ना आर्टरी, अगर ब्लड इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर इंजर्ट कर रहा है तो आर्टरी अगर डैमेज हो जाएगी तो फिर जो है आपके किडनी के आपकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन, तो ये भी किडनी के जो फेलियर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये जो क्रॉनिक फेलियर है ये आपको पता नहीं चलता और साथ साथ जो है वो आपका किडनी जो है वो डैमेज होता रहता है, जबकि एक्यूट फेलियर में क्या होता है आपके एकदम सडनली जो है वो आपके किडनीज जो है वो फेल हो जाती हैं। अब अगर किडनीज फेल हो जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, अगर किडनीज फेल हो गए हैं, जाहिर है अगर किडनीज फेल हो जाएंगी तो हमारे ब्लड के अंदर से क्या है सार्स को जो है सार्स की कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सेस सोल्यूट है, एक्सेस सार्स हैं, एक्सेस वाटर है, वो बॉडी के अंदर से जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो क्या होता है अगर किडनी आपका फेल हो जाता है, तो सबसे पहले तो आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है, एनीमिया, एनीमिया का मतलब है खून की कमी हो जाना। एनीमिया किस तरह से हो सकता है कि जो हमारे किडनी है ये क्या करते हैं, इनके एक काम ये भी है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर किडनीज जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे तो फिर जो है वो हमारी ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। एक और काम ये है कि हमारे लंग्स पर भी इसका इफेक्ट होता है। जब आपका ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आ रहा है और किडनी जो है वो आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा, किडनी आपके ब्लड के अंदर से सार्स को निकाल नहीं रहा, तो फिर वही ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो जो उधर से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से सार्स निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर गुर्दों में जो है इस तरह से लंग्स में जो है वो पानी भर जाता है, तो ये एक लंग्स को भी जो है ये अफेक्ट करता है। और इसके अलावा जो बोन हैं वो भी वीक हो जाती हैं, बोन वीकनेस भी हो जाती है। बोन वीकनेस कैसे होती है कि
जो विटामिन डी की एक्टिवेशन है वो किडनी करवाते हैं, ठीक है। जब किडनी विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं करवाएंगे तो ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को जो विटामिन डी है वो प्रॉपरली नहीं कर सकेगा और फिर आपकी बोन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। इसके अलावा ये डिफरेंट न्यूरॉन्स के फंक्शंस को भी जो है वो अफेक्ट करता है। न्यूरॉन का फंक्शन डिफरेंट है, अगर बॉडी के अगर आपकी ब्लड के अंदर डिफरेंट साल्स की कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, वॉमिटिंग होती है अक्सर, जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर आपको वॉमिटिंग भी होती है। इसके अलावा जो आपकी जो है फेस और लेग्स वगैरह के अंदर क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग कैसे हो जाती है, क्योंकि जब साल्ट ज़्यादा है तो स्वेलिंग ही होगी, ठीक है। साल्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, आपकी जो डिफरेंट फेस है या लेग है उस पर क्या हो जाएगी, आपकी स्वेलिंग हो जाएगी। और इसके अलावा जो है ये स्टमक के अंदर भी ब्लीडिंग होती है। जाहिर है जो ब्लड क्लॉटिंग सही नहीं हो रही, तो जब ब्लड क्लॉटिंग सही नहीं हो रही तो ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर या जितनी भी वेजल्स के अंदर बह रहा है उस पर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपका क्या हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है, वेट लॉस भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का ना लगना। और इसके अलावा वॉमिटिंग भी हो गई, ब्रीथलेसनेस भी हो सकती है, सांस की कमी, सांस लेने में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। जाहिर है जब आपके लंग्स के अंदर जो है वो एक फ्लूइड भर गया है तो फिर क्या होगा, आपको सांस लेने में भी जो है वो परेशानी होगी और दुश्वारी पेश आएगी।